हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2024 और आज के 12 अपडेट्स आप सभी के लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो यही पहले अपडेट, शिंकुला दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, लेह से हर मौसम में रहेगा संपर्क। पीएम ने विस्फोट कर शुरू कराया टनल का निर्माण। पीएम मोदी ने टनल निर्माण के लिए पहला विस्फोट किया और जिसके बाद मौके पर उड़ता गुब्बार। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल अपने शर्तों पर बनाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ 100 करोड़ देने की भरी है हामी, राज्य सरकार को मंजूर नहीं। राज्य की संसाधनों को लूटने नहीं देंगे सीएम। नालागढ़ में मझोली में 265 एकड़ जमीन हुई है चिन्हित, 25% पर बनेगा पार्क। प्रदेश सरकार का तर्क, जमीन समतल करने में ही खर्च होंगे 200 करोड़ रुपये। केंद्र के अतिरिक्त पैसा ना देने पर 30 करोड़ की पहली किस्त लौटाने का फैसला। बर्क ड्रग पार्क व निजी एजेंसी की नहीं लेंगे मदद। नेक्स्ट अपडेट, नीट यूजी अंतिम मेरिट में 4 लाख अभ्यर्थियों की बदली रैंक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भौतिकी में कृपांक हटाकर नतीजे जारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 5000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। बाली रोजगार मेले में 611 युवाओं का हुआ चयन। तो यहाँ पे पर्यटन निगम के अध्यक्ष और कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि नगरोटा बीस क्षेत्र में 5 वर्षों में 5000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। इस दिशा में वर्ष में 2 बार नगरोटा में रोजगार मेले का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है और मेगा मेडिकल कैंप और रोजगार मेले में लोगों को संबोधित करते हुए आरएस बाली ने कहा कि विकास पुरुष दिवंगत जेसवाली ने सबसे पहले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष आरंभ किया था। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मौसम रास्ते की स्थिति देखकर करवाई जाएगी किन्नौर कैलाश यात्रा। निजी टेंटों में ठहरने के दाम किए तय, अधिक वसूली पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। 1300 रुपये देना होगा एक श्रद्धालु को टेंट का किराया। नेक्स्ट अपडेट, पहली बार युवाओं ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर सीखे राहत एवं बचाव के गुर। परीक्षार्थियों ने 19,950 फुट ऊंची शिंकुला ईस्ट चोटी की भी की फतेह। नेक्स्ट अपडेट ये रही, निजी स्कूलों के परीक्षा परिणाम, परीक्षा केंद्रों का नवीकरण अब हर साल। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र सृजन के नियमों की फेरबदल, नवीकरण करवाने पर नए सिर से करना होगा आवेदन, विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन का मौका। नेक्स्ट अपडेट, 3 केंद्रों पर 2620 अभ्यर्थी जेल वार्डर के 91 पदों के लिए देंगे परीक्षा। शिमला मंडी धर्मशाला में कल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी परीक्षा। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड और इन चीज़ों के साथ ले जाने की अनुमति नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी ना, मोबाइल हो गया, फ़ोन, कैलकुलेटर एट्सेट्रा। ठीक है, मेरिट छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। 832 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा योजना के लिए। नेक्स्ट अपडेट ये रही, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र होंगे जारी। HPU इस सत्र से छात्रावासों में हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी। इसके अलावा सुखाश्रय योजना के तहत छात्रावासों के लिए आवेदन शुरू। बीटेक के 5 कोर्सों के 8वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जारी। 30 से शुरू होगी UG की विशेष मौके के तहत वार्षिक परीक्षाएं और परीक्षाएं 30 जुलाई से शुरू होंगी। इसके अलावा जमा 2 कक्षा के 1854 अभ्यर्थियों का रद्द हो सकता है परीक्षा परिणाम। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स पैट ना देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश। अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा दाखिला। 6 अगस्त को नॉन पैट वाले सभी अभ्यर्थी हो सकेंगे काउंसलिंग के लिए पात्र। ऐसे ले काउंसलिंग में हिस्सा, तो जो जिन्होंने पैट एग्जाम नहीं दिया, एंट्रेंस नहीं दिया, वो भी अब जो है इसमें एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो 6 अगस्त को यहाँ पे बताया गया है कि उनकी काउंसलिंग होगी। इसके अलावा FMG की इंटर्नशिप के लिए सीटें आवंटित। अटल विश्वविद्यालय ने 58 विदेशी स्नातकों को संस्थानों की आवंटन सूची की जारी। तो यही थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।